महाराजगंज जनपद के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के बाद निर्वर्तमान एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर जनपद में लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में यहां की जनता और कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला है, जिसकी वजह से सदर तहसील में उल्लेखनीय कार्य किए गए। पहल योजना के तहत जहाँ सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, वहीं कोरोना काल में लोगों के घरों तक आवश्यक सामग्री पहुँचने के लिए वेबसाइट बनाकर उनके घरों तक सामानों को पहुंचाया गया, जिसका पीएमओ कार्यालय से भी सराहना हुई थी। इसके अलावा सुमेर सागर, ताल असुरन पोखरा, खरैया पोखरा को भी अतिक्रमण से मुक्त कराकर उसे मूर्त रूप दिया गया। निर्वर्तमान एसडीएम सदर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर जमीन खरीदना चाहता है तो पहले जमीन की पूरी पड़ताल कर ले। इसके अलावा सीडीओ महाराजगंज गौरव सिंह सोगरवाल ने जनपद में किए गए अपनी उपलब्धियों को साझा किया और जनपद वासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निर्वर्तमान एसडीएम सदर और वर्तमान में सीडीओ महाराजगंज आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, देखिए पिछले साल 27 जनवरी 2020 को मैं शामली में अपना 3 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद गोरखपुर में आया था और यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। तो लगभग एक साल के आसपास समय बीता और आते ही हमने यहाँ पे एक, चूँकि हमने शामली में भी एक ऊन पहल चलाया था, तो वही इनिशिएटिव हमने यहाँ पे चलाया गोरखपुर पहल के नाम से, जिसमें हमने ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो हमारी सार्वजनिक भूमियाँ हैं, संपत्तियाँ, उनके परिरक्षण के लिए एक पहल चलाई, जिसका नाम गोरखपुर पहल रखा और जिसका आधार वाक्य था जन सहभागिता से जन स्वामित्व। तो जन पब्लिक पार्टिसिपेशन से पब्लिक ओनरशिप कैसे डेवलप की जाए। तो लगभग 1.5 महीने ये कार्यक्रम चला और फिर कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के नाते पूरा लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में भी काफ़ी कुछ इनिशिएटिव तहसील ने लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए, डीएम सर के निर्देशन में काफ़ी कुछ कार्य किया गया। हमारा जो गोरखपुर मॉडल, जो डोर स्टेप डिलीवरी मॉडल, काफ़ी अप्रिशिएट हुआ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। कई सारे मिनिस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो प्रेजेंटेशन मांगा, कई सारे स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट ने उसको अडॉप्ट किया। तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था काफ़ी स्मूथ रहा, डिलीवरी जो डिलीवरी मॉडल था उसके रिगार्डिंग। उसके बाद भी बहुत सारे कोविड मैनेजमेंट में बहुत सारे कार्यक्रम थे, जो हमारे माइग्रेंट इन्फ्लक्स थे, जो दूर दूर से राज्यों से गोरखपुर और अन्य जनपदों में और अन्य राज्य के अन्य जनपदों में जाने वाले यात्री थे, वो सब आए स्टेशन पे। लगभग महीने भर तक हमने ट्रेन के द्वारा उन सभी यात्रियों को उनके क्वारंटाइन सेंटर्स पे घरों पे भेजा। उसके अलावा भी टेस्टिंग को लेके भी काफ़ी प्रयास थे, तो शहर में हमने टेस्टिंग भी काफ़ी करवाई और कोरोना काल में क्वारंटाइन मैनेजमेंट और टेस्टिंग को लेके काफ़ी बॉडी डिस्पोजल भी था, तो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई, फिर से हमने गोरखपुर पहल इनिशिएटिव रीस्टार्ट किया और ताल सुमेर सागर, जो कि एक शहर का बहुत फेमस ताल रहा है 22 एकड़ में जो फैला हुआ था, उसको लेके काफ़ी अतिक्रमण हटाए। हाई कोर्ट्स में कई सारी रिटें हुई, हाई कोर्ट से हम जीते। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो 22 फरवरी की डेट है, तो मुझे लगता है ऐतिहासिक फैसला आएगा, जो कि अर्बन वाटर बॉडीज़ के लिए एक बहुत ऐतिहासिक रहेगा। तो ताल सुमेर सागर में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया और ताल का स्वरूप उसको प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा असुरन पोखरा भेड़ियागढ़ में भी 2010 का जो कमिश्नर सर का आदेश है, उसके भी अनुपालन के संदर्भ में 4-5 ज़मीनें उन्होंने दी हैं, उनमें से कोई एक ज़मीन उपलब्ध करा के ताल के रूप में ले ली जाएगी। खरैया पोखरे को भी चिन्हांकन कर लिया गया है। तो शहर के लगभग 8-9 तालाबों को, जो इम्पोर्टेंट तालाब थे शहर में जिनकी वजह से जल भराव हो जाता था, उन सबको हमने हटवाया है, उन सभी तालाबों की सूची हमने उपलब्ध करा दी है। इसके साथ साथ शहर में जो बेशकीमती बहुमूल्य ज़मीनें थीं, अतिक्रमण जो माफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा था उन पर, उनको वहाँ से छुड़वा के लगभग 80 एकड़ की भूमि, जिसकी सर्कुलेट के हिसाब से अगर वैल्यू करें तो हम लगभग 2 से 2.5 हज़ार करोड़ रुपये की भूमि, वो भी हमने सुरक्षित करवाई और विभिन्न परियोजनाओं में उपलब्ध कराई। इसके अलावा गोरखपुर पहल में हमने गाँवों में लगभग 350 एकड़ से अधिक की भूमियाँ संरक्षित की हैं, ताकि वो किसी भी योजना में काम आ सके। ऐसी योजना के लिए जैसे आयुष विश्वविद्यालय है, वेटनरी कॉलेज है, उसके लिए भी उसी लैंड बैंक में से गोरखपुर पहल के द्वारा जो बनाई गई थी उसका, उसमें से हमने वो भूमि दी है। इसके अलावा जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं जो हमने उपलब्ध कराई हैं, सबका हमने डेटाबेस बनाया है, डिजिटली डेटाबेस बनाया है, मैनुअली डेटाबेस बनाया है, ताकि कोई भी उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई छेड़खाड़ ना कर पाए और सभी लोगों को पता रहे कि उनके गांव में, उनके शहर में कौन सी भूमियाँ जो कि सार्वजनिक हैं, सरकारी हैं, तालाब के रूप में दर्ज हैं, उन पर बहनामा ना करा के बचा जाए। तो बेसिकली इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा।
सुमेर सागर की जो मुहिम थी, गोरखपुरवासियों ने बड़ा साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और अब स्थिति यह है शहर में रजिस्ट्रार ऑफिस में यह है कि कोई दुआनामा कराने से पहले ये पूछता है कि कहीं ये तालाब की भूमि तो नहीं है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव रहे, कुछ काफ़ी काम किए। तहसील दिवस में भी हम कोशिश करते हैं कि सारी समस्याओं को उसमें निस्तारण कर दें ऑन स्पॉट जाके। तो गोरखपुर पहल में भी बेसिकली यही था कि सभी को जितनी उस गाँव की समस्याएँ हैं सबको वहाँ पर टीम ले जाके वहाँ पर हम उसको वो कर दें, समाधान कर दें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उसको कहीं और भटकना ना पड़े। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी, वीआईपी मूवमेंट भी काफ़ी रहा, डीएम सर कमिश्नर सर का बराबर सहयोग मिलता रहा, और गोरखपुर में जो हमारी तहसील सदर की टीम थी बहुत अच्छी टीम रही, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार, बड़े अच्छे, काफ़ी काम रहे। कुछ कमियाँ रहती हैं, हमेशा सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, ऐसा नहीं कहूँगा कि काफ़ी, अभी भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और हमें हमेशा एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा रहा गोरखपुर का टेन्योर, और उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ हम महाराजगंज में जो विकास की जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। सर कुछ ऐसा चीज़ भी होगा जो आपको लग रहा था एक कमी रह गई, उसको पूरा कर दिया होते? इसमें एक्चुअली एक साल का टेन्योर था, थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से लगभग 6 महीने हमारा कोर्ट नहीं हो पाया था। तो क्योंकि हम देखते हैं अगर कोर्ट रेगुलर रहता है तो थोड़ा सा ज़मीनें और निकलती हैं, तो काफ़ी पोटेंशियल है हमें लगता है। हमसे पहले जब हम ज़मीनें खोजते थे कितनी ज़मीन है तो कहते थे सर कोई ज़मीन नहीं है, अब हमने 80 एकड़ ज़मीन शहर के अंदर ही खाली कराई है। तो जैसे धीरे धीरे हो सकता है और भी ज़मीनें हों, थोड़ा और टाइम रहता तो हम इन ज़मीनों पर और काम करते, और भी ज़मीनें हैं, मतलब उनको हमने चिन्हित किया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो हम अगले आने वाले जो हमारे सक्सेसर हैं कुलदीप मीणा, उसको भी हमने बताया है कि ये ज़मीनें हमने खोज रखी है, उस पर कार्रवाई करना है। तो मुझे लगता है गोरखपुर में ज़मीनों की कोई किल्लत नहीं रहेगी, और सारी ज़मीनें जो सरकारी हैं जिसको रिकॉर्ड्स में इन्होंने गलत करवा लिया, मौके पे गलत करवा लिया, कब्ज़ा गलत ले लिया, उन सबको हटा के ज़मीनों को सुरक्षित करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। क्योंकि ज़मीन रहेगी तो ही विकास परियोजनाएँ, किसी भी विकास परियोजना के लिए ज़मीन सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर मैं और थोड़ा टाइम मिलता तो ज़मीनों पर मैं काम करता, मेन कोर काम ज़मीनों का रेवेन्यू का। तो आगे आने वाले जो हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं SDM सदर, उनको यही कहेंगे कि इन ज़मीनों पर काम करें, जो मोमेंटम बना हुआ है उसी को आगे बना के रखें, और जो शहर में तालाब पोखरे और भी हैं उस पर भी कार्रवाई अनवरत जारी रहे। सर अभी आप कहें कि कुछ लोग आते हैं पूछते हैं पोखरे की ज़मीन तो नहीं है, तो क्या ऐसे लोगों से जो ज़मीन लेना चाहते हैं बहुत गाड़ी कमाई पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उनसे क्या कहेंगे कि ज़मीन लेने तो मैं क्या एहतियात बरते हो? हाँ बिल्कुल, देखिए ये ज़मीन का है, ज़मीन में देखिए चूँकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि बगैर जाने केवल खाली ज़मीन देखते हैं और उसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले 1359 फसली में देख लें उसकी नवयत क्या है, कहीं वो तालाब में तो नहीं है, कहीं वो पशुचर में तो नहीं है, कहीं वो 132 की लैंड तो नहीं है। तो 1359 की ज़रूर नवयत देख लें, उसके बाद ही ज़मीन लें, खाली ज़मीन दिखा के उसको ना लें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुमेर सागर में, सुन पोखरे में, खरिया पोखरा में कई सारे बुरे अनुभव रहे हैं लोगों के साथ, तो ये एहतियात ज़रूर बढ़ते हैं। सर जनपद गोरखपुर वासियों से और अपने स्टाफ से क्या करना चाहिए? देखिए गोरखपुर वासियों ने बड़ा साथ दिया, बहुत साथ दिया, जन सहभागिता से मुझे लगता है कोई भी कार्य असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो जन संवाद, जन सहभागिता ये मूल पर्याय हैं किसी भी प्रशासक के लिए, लोकतंत्र प्रणाली में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जनता को साथ लेकर चलना। तो हम ये गोरखपुरवासियों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, और हमारा स्टाफ काफ़ी अच्छा रहा, हमेशा खड़ा रहा हर तरीके के मूवमेंट में, जहाँ पे भी कोई ज़रूरत पड़ी खड़ा रहा। तो इसी तरीके से इसी ऊर्जा के साथ लोगों के जीवन को आसान बनाएँ, लोगों के जीवन में बदलाव लाएँ, लोगों के जीवन को सहूलियत प्रदान करें, यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए, और इसी कोशिश को हमें अनवरत आगे जारी रखना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी गोरखपुरवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। इन लोगों ने इतना, आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया।